तो दोस्तों, अगर आपका चैनल नया है और आप भी अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो, व्यूज बढ़ाना चाहते हो, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो, सब फॉर सब की मदद लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो दोस्तों, क्या सब फॉर सब सही है? सब फॉर सब आपको करना चाहिए? नए यूट्यूबर को करना चाहिए जिनके चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं है, उनको सब्सक्राइबर लाने के लिए सब फॉर सब का सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसके क्या फायदे हैं और इसका क्या नुकसान है? दोनों पहलू को आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आप अगर अधूरा वीडियो छोड़ दोगे तो आप बहुत सी जानकारी मिस कर दोगे, फिर आप बाद में पछताओगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल उपाध्याय और आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक्टिव राहुल में स्वागत है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको दूसरे चैनल पर और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, सब फॉर सब के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप एक बात मुझे खुद बताओ, सब फॉर सब के से रिलेटेड ही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपका चैनल जो है, अगर आपका टेक वाला चैनल है और अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप कुक वाली वीडियो देखो, तो क्या आप देखोगे? नहीं देखोगे। आप टेक वाले ही वीडियोस देखोगे, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए ही बारे में सोचोगे, कुक वाले चैनल में आप नहीं जाओगे। अगर मैं आपसे जबरदस्ती करा भी लेता हूं, प्रेशर देके आपको मैं सब्सक्राइब करवा भी लेता हूं, तो क्या आप मेरी कुक वाली वीडियोस को आप देखोगे? नहीं देखोगे। अगर आप ही मुझसे ही फोर्स करके आप कहते हैं कि भाई मेरा आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो चलो आपको कहने, तो चलिए आपके कहने पे मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लूंगा, लेकिन आपकी वीडियोस को मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरा कुक में इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे तो टेक वाले वीडियो से मतलब है, मैं अपने चैनल को कैसे ग्रो करूं वैसी वीडियो से मुझे मतलब है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह से करते हो, किसी को फोर्सफुली करते हो कि मतलब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब फोर्स सब करो भैया, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं भी उल्टा आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, लेकिन आपके जो चैनल के हैं सब्सक्राइब, इस तरह से आपका जो चैनल है वो उस पर सब्सक्राइबर तो आ जाते हैं, लेकिन आप खुद बताओ कि आप इस तरह से करके आप जब अपनी वीडियो पोस्ट करोगे तो क्या उस पर व्यूज आएंगे? अगर मान लो व्यूज आते भी है तो 10 सेकेंड, मैंने 10 सेकेंड ज्यादा कह दिया, वो 2-3 सेकेंड में आपकी वीडियो को छोड़ के हट जाएगा, क्योंकि उसे कुक से रिलेटेड पसंद है, उसे कुक से रिलेटेड वाली वीडियो चाहिए, आपको टेक से रिलेटेड वाली वीडियो चाहिए। तो ऐसे बंदे से सब फॉर सब करके क्या फायदा कि जब आपकी वीडियो पे मतलब व्यूज ही नहीं आए, आपका वॉच टाइम ही नहीं बढ़े। नंबर बढ़ा के सब्सक्राइबर क्या करना है कि वो आपके जो नंबर है सब्सक्राइबर के वो वेस्ट हो जाते हैं, मतलब उसका कोई काम ही नहीं रहता। आपके मतलब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, बेसिकली आपके जो है सब फॉर सबसे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपका जो चैनल का ग्रोथ है वो पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। अब ग्रोथ आपकी कैसे रुक जाएगी? आप जब भी अपनी टेक वाली वीडियोज डालोगे तो उनके पास नोटिफिकेशन जाएगी, वो धीरे से स्लाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें टेक से मतलब नहीं है, वो कुक वाली वीडियो है, वो कुक से रिलेटेड है भैया। तो ऐसे में आपके वीडियो पे व्यूज आना कम हो जाएंगे, और जब व्यूज आना कम हो जाएंगे तो चैनल का जो CTR होता है, क्लिक थ्रू रेट, वो आपका क्या है, कम हो जाएगा। जब आपका CTR ही कम हो जाएगा तो YouTube आपके वीडियो को पुश करना छोड़ देगा, उसे प्रमोट करना छोड़ देगा। तो दोस्तों, आप खुद बताओ कि आप सब फॉर सब का सहारा लेना चाहेंगे? सब फॉर सब का सहारा लेने से एक बात तो कंफर्म है, आपके चलो सब्सक्राइबर के नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन सब्सक्राइबर्स के सिर्फ नंबर बढ़ेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपके वीडियोस पे वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ना वो आपकी वीडियो देखेंगे और ना आप उनकी वीडियो देखोगे। आप एक बात बताओ दोस्तों, आप भी एक यूट्यूबर हो, नया यूट्यूबर हो, वो भी एक यूट्यूबर है, नया यूट्यूबर है, वो भी सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं, आप भी सब्सक्राइब करवाना चाहते हो, वो भी अपने चैनल का ग्रोथ करना चाहता है, आप भी अपने चैनल का ग्रोथ करना चाहते हो, तो एक यहाँ पे माइंड सेट बन जाता है कि जब उसकी वीडियो आएगी, तो मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि आप खुद अजमा के देख लो कि जब किसी के चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो तो उसकी वीडियो जब आती है तो आप उसकी वीडियो को नहीं देखोगे। तो जैसे आप नहीं देखोगे, उसी तरह अगला बंदा भी आपकी वीडियोस को नहीं देखेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आप मेहनत करके वीडियोज बनाते हो और आपको लगता है कि मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं, वीडियोज मैं पोस्ट करूंगा, व्यूज आएंगे, लेकिन क्या होता है कि मेहनत करने के बावजूद भी आप जब वीडियो पोस्ट करते हो तो वहां पे व्यूज अगर मान लीजिए आते भी हैं, मान लीजिए जितने सब्सक्राइबर हैं उसमें से आधा अगर व्यूज आ भी गए, तो सिर्फ मैं आपको बता दूं कि व्यूज का सिर्फ आपका नंबर बढ़ता है, आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ता। याद रखना,
व्यूज का नंबर और वॉच टाइम अलग अलग होता है। व्यूज का नंबर मतलब आपकी वीडियो को किसी ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद 2-4 सेकंड देखा, हट गया। और इसके बाद वॉच टाइम का मतलब होता है कि वीडियो को क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो को पूरा देखे। जैसे 5 मिनट की वीडियो है तो 5 मिनट के चलो मान लो नहीं देखा तो 4 मिनट तो देखा, तो उससे आपका वॉच टाइम बढ़ता है। तो उससे जब आपकी 4 मिनट की जब वीडियो चलेगी तो आपका CTR बढ़ेगा, CTR बढ़ेगा तो आपकी वीडियो मतलब YouTube को लगेगा कि इस वीडियो में दम है, इसे प्रमोट करो। और इसके बाद अगर 1000 लोग सब्सक्राइबर हैं, 1000 लोगों ने मतलब वीडियो को क्लिक करके छोड़ दिया 10 सेकंड पे, तो वहां पे उसकी ऑडियो रिटेंशन खराब हो जाती है और YouTube को लगता है कि इस वीडियो में दम नहीं है। भले से आप कितनी भी मेहनत करके बनाओ, उसमें कितनी भी जानकारियां आपने उस वीडियो में डाली हो, तो सब व्यर्थ हो जाता है। तो अब आप खुद बताओ कि सब फॉर सब क्या करना सही है या सही, तो आप खुद बताओ कि सब फॉर सब आपके चैनल के लिए करना सही है, ठीक है, या आपको सही लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।